उत्तराखंड के मशहूर मंडल कुमायूं के कमिश्नर दीपक रावत, जिनको लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं और जो सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमाते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों लोगों की है। कई लोगों को दीपक रावत ज्ञान देते हुए सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान के बीच में कमिश्नर साहब का खुद का ज्ञान लगता है कहीं गुम हो गया। 75वें गणतंत्र दिवस की वायरल वीडियो कुमायूं की बताई जा रही है, जिसमें कमिश्नर दीपक रावत सहित तमाम आला अधिकारियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। वह क्यों, वह आप वीडियो में खुद देख सकते हैं किस तरह से पहले राष्ट्रगान किया गया, उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। जबकि नियम यह है कि राष्ट्रगान की धुन जब बज रही हो तो तिरंगा स्वच्छंद फहर रहा होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में राष्ट्रधुन के दौरान कई पुलिसकर्मी चहलकदमी करते दिख रहे हैं, तो खुद कमिश्नर साहब सहित आला अधिकारियों ने राष्ट्रधुन का अपमान तिरंगा फहराने से पहले ही कर दिया। अब क्या संबंधित उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।